दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए जहां एक ओर गाजियाबाद के तमाम कंस्ट्रक्शन साइट को पूर्णता से बंद कर दिया गया है, साथ ही तमाम निर्माणाधीन कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करने वाले मजदूरों का किस तरह से लालन पोषण हो रहा है, इसकी पड़ताल में हमारी टीम ने देखा कि रोजाना की तरह तमाम दिहाड़ीदार मजदूर अपने अपने स्थानों पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं, मगर पिछले एक डेढ़ महीने से निर्माणाधीन तमाम कार्यों पर रोक लगाए जाने के बाद लगभग रोजाना इन्हें खाली हाथ ही वापस घर आना पड़ता है। मेरा नाम घनश्याम है सर। कब से काम नहीं मिला आपको? मैं सर कहीं मैं एक हफ्ते में यहाँ खड़ा हूँ, मेरा काम नहीं मिला। मैं छः महीने की सैलरी थी, पंचशील में मैं काम करता था, पंचशील में जो गोविंदपुरम में है वहाँ मैं पंचशील में सिक्योरिटी की नौकरी करता था। वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया उन्होंने, हमारी छः महीने की सैलरी है साहब, मेरी छः महीने की सैलरी नहीं दी मुझे मेरी। हाँ, उसके बाद से आप ये कर रहे हैं? जी मैंने काम ये बारे अपना काम जीवन कैसे चल रहा है साहब? ऐसे ही जीवन तो उधार ले काम करते हैं साहब। सोनू कुमार वर्मा। कब से काम कर रहे हैं? काम हम लेबर का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? काम मिलता ही नहीं, आते हैं लौट के चले जाते हैं। अच्छा, खाना पीना कैसे हो रहा है? खाने पीने इधर उधर ले से दोस्त ले से इधर उधर ले के काम चलता है।